हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं विरर आप लोगों का स्वागत करता हूं सिलेक्शन मेंटर के अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम लोग बीओ की मेंस की क्लास में भारत की राज्य व्यवस्था में भारत के संविधान के स्वरूप के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये पॉलिटी का पहला चैप्टर है और इस तरीके के रिकॉर्डेड वीडियोज आपको और भी ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा एक परेशानी हो सकती है कि इस रिकॉर्डिंग के दौरान आपको बहुत सारे बैकग्राउंड वॉइस या नॉइस जो है वो आपको सुनाई पड़ सकती हैं, खासकर जो व्हीकल्स वगैरह हैं, ये बाहर सड़क है तो यहाँ पर आपको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ इग्नोर करिएगा, जो बैकग्राउंड वॉइस आ रही हैं उनको इग्नोर करिएगा, कंसनट्रेट करिएगा जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उसको, ठीक है? क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ आपको A1 क्लास की शायद मैं नहीं दे पाऊँगा, परंतु अगर आप यहाँ पर पढ़ने के लिए उत्सुक हैं तो पढ़ने का मटेरियल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। पीछे बैकग्राउंड की कोई नॉइस है या किसी प्रकार की गूंज अगर आपको सुनाई दे रही है तो उस पर अपना ध्यान ना लगाइए, कंसंट्रेट करिए पढ़ने पर। धीरे धीरे करके हम ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एनी हाउ हम आप लोगों को फिलहाल यहाँ पर यही प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हमारा बेस्ट है वो हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप इन परेशानियों को इग्नोर करते हुए पढ़ाई करेंगे। तो चलिए, मैं आपको आज भारत की राज्य व्यवस्था में भारत के संविधान का स्वरूप पढ़ाने वाला हूं और इसका पहला चैप्टर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहां पर देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो एट वेरी फर्स्ट हम लोग यहाँ पर टॉपिक की हेडिंग डाल देते हैं, भारतीय संविधान की प्रमुख जो विशेषताएं हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा टाइटल में मैंने डाला हुआ है कि भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है, तो यही चीज यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ, भारतीय संविधान का स्वरूप। ठीक है, भारतीय संविधान का स्वरूप ये क्या है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इस पे कई विभिन्न प्रकार के आपके मेंस में प्रश्न जो है वो बन सकते हैं, उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे मेंस वाली जो क्लास होगी उसके ऊपर। मसलन आपसे मान लेते हैं कि एक प्रश्न आपसे पूछ लिया गया कि बताइए भारत का जो संविधान है उसमें संघ शब्द की व्याख्या किस प्रकार करी गई है, भारत कैसा है, एकात्मक है, कैसा है, मतलब इस प्रकार के प्रश्न आपसे अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले हम समझेंगे भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है। और आप लोगों को मालूम है कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान आपको मालूम है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा संविधान भी है और सबसे बड़ा लिखित। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो देखिए, इस चीज को यहां पर माइंड करने की बहुत आवश्यकता है कि हमारा जो संविधान है न सिर्फ बड़ा है बल्कि लिखित भी है। रिटन एंड लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड का। तो क्या संविधान का बड़ा होना इस बात की प्रामाणिकता है कि वो संविधान सबसे अच्छा है? क्या संविधान का छोटा होना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि वहां का संविधान अच्छा नहीं होगा? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, फिर भारत का संविधान जो बड़ा है तो क्या इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, और क्या लिखित है तो इसके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, उस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे अभी आगे चल करके। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं, 395 अनुच्छेद हैं। अब देखिए, वर्तमान में आप कहेंगे सर 444 हो चुके हैं, उन सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा, वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद हैं। और जो नए अमेंडमेंट्स करने के बाद जो आर्टिकल्स जुड़े हैं, अभी तक जितने भी आर्टिकल्स जुड़े हैं वो सब किसी न किसी प्रीवियस आर्टिकल के सब आर्टिकल के रूप में जाने जाते हैं। मसलन आप लोगों ने आर्टिकल नंबर मान लेते हैं, आप लोगों ने आर्टिकल नंबर 21 पढ़ा तो आपको एक और आर्टिकल पढ़ने को मिलता है, आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 21A इज अ सब आर्टिकल ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है? तो इसको आप अलग से एक काउंट कर लेते हो अमेंडमेंट के बाद, ये एक अलग काउंट हो गया तो वो एक अलग बात है। आप देखोगे तो आर्टिकल जो है वो 21 ही है, ठीक है? तो इस प्रकार की चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस हिसाब से हमारे पास में अभी भी 395 अनुच्छेद हैं, नए अनुच्छेद अभी नहीं है, ठीक है? 395 अनुच्छेदों के साथ साथ आपको मालूम है कि हमारे पास में टोटल 22 भाग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे पास में 25 भाग हैं, तो भाग में भी इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है। जैसे आप पढ़ रहे हो पार्ट 4,
आप पढ़ते हो पार्ट फोर, फिर आपका आना चाहिए पार्ट फाइव, लेकिन बीच में आप देखते हो कि बीच में पढ़ता है पार्ट फोर ए। क्या पढ़ता है बीच में? पार्ट फोर ए। तो पार्ट फोर ए जो है ये पार्ट फोर का उपभाग है या सब पार्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम अनुच्छेदों की बात करें, माफ कीजिएगा अनुसूचियों की अगर हम बात करें, तो 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां, ठीक है। तो इनकी प्रारंभिक संख्या जो है वो 8 थी, पूर्व में 8 थी, और ये नए 4 हैं, ये नए 4 हैं, यानी कि कोई भी अनुसूची 1A या 2A ऐसे करके नहीं रखी गई है। तो इस प्रकार से इनके जो आर्टिकल्स हैं वो 8 के बाद 4 नए जुड़े हैं, ठीक है। तो 8, 4, 12 इस प्रकार से हमारे पास में शेड्यूल्स जो है वर्तमान में है। तो ये तो हमारी विशालता हो गई संविधान की कि हमारे पास में इतना विशाल संविधान है, ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं। लेकिन इसमें किस प्रकार का ये जो विशालता, आप देखिए अगर हम भारतीय संविधान के स्वरूप की बात करें तो एक स्वरूप हमको कैसे मिला? एक स्वरूप मिला कि भारतीय संविधान विशाल है, ठीक है, बहुत बड़ा है, ठीक है, कोई छोटा मोटा संविधान हमारा नहीं है, ठीक। संविधान की कुछ और विशेषताएं हैं, संविधान के कुछ और स्वरूप हैं, उनमें अगर देखा जाए तो हमारे यहां संविधान जो है, संविधान भारत में सर्वोच्च है, सर्वोच्च, किसी भी अन्य चीजों से ऊपर भारत का संविधान है, ठीक है, चाहे वह कार्यपालिका हो, चाहे वह कार्यपालिका हो, ठीक, चाहे वह न्यायपालिका हो, न्यायपालिका, या फिर आप चाहे विधायिका कह लें, हर प्रकार से विधायिका, हर प्रकार से उच्च कौन है? उच्च है हमारा भारत का संविधान, ठीक है, संविधान ही उच्च है। कार्यपालिका भी संविधान के अनुसार चलेगी, न्यायपालिका भी संविधान के अनुसार चलेगी, विधायिका भी संविधान के अनुसार चलेगी, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता कोई, ठीक है। कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, न्यायपालिका को हम लोग जुडिशरी बोलते हैं, और विधायिका को बोलते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये सब जो है, और एक बड़ी खूबसूरती है हमारे यहाँ कि अगर हम कार्यपालिका और विधायिका का रिलेशन देखें तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। लेकिन अगर हम न्यायपालिका और विधायिका का रिलेशन निकालें तो ये एक दूसरे से अलग हैं, बिल्कुल सेपरेट है, अलग, ठीक है, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ये न्यायपालिका और विधायिका, या न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करती, और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करती, ठीक है। तो इन सब तरीके की खूबसूरती हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो क्या है? न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका हमारे पास में स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र, बिल्कुल मुक्त। और न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अत्यंत अनिवार्य है, किसी भी संविधान का सबसे खूबसूरत भाग हो सकता है ये स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। इसके अलावा न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है, संविधान का संरक्षक। अब आप कहेंगे सर ये संविधान का संरक्षक कैसे है? ये संविधान का संरक्षक इस प्रकार से है कि संविधान में है नियम, और इन नियमों को मिटाया, हटाया, तोड़ा मोड़ा या फिर परिवर्तित किया जा सकता है। और ये काम कौन कर सकता है? ये काम करने की शक्ति है विधायिका के पास, ये कार्य करने की शक्ति जो है वो किसके पास है? विधायिका के पास। ऐसे में विधायिका अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके, मनमाना व्यवहार करके संविधान में परिवर्तन, संविधान में इस प्रकार का परिवर्तन कर सकती है कि विधायिका सर्वोच्च हो जाए। परंतु जब कभी विधायिका ऐसा करेगी तो न्यायपालिका संविधान की रक्षा करेगी और इस प्रकार के नियमों को नल एंड वॉइड कर देगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान जो है वो क्या है? संविधान का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आप तर्क दीजिए कि किस प्रकार से संविधान के संरक्षक के रूप में हम न्यायपालिका को देखते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली जो कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं ब्रिटेन से ही सीखी है। आप लोगों ने प्रीलिम्स में इसके बारे में पढ़ा होगा कि हम लोगों ने इसको ब्रिटेन से ही सीखा है। संसदीय न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो संसदीय प्रणाली की बात करते हैं तो ठीक है। अब संसदीय प्रणाली जो है हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो दो प्रकार की है।
संसदीय प्रणाली वैसे भी दो प्रकार की होती है पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो। सामान्यतः एक होती है भैया अध्यक्षीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली, अध्यक्षीय, और एक होती है आपकी संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली में अंतर क्या है, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली में किस प्रकार का आप अंतर देख पाते हैं? एक मिनट इसको सही से लिख दिया जाए। हाँ, संसदीय और प्रणाली, प्रणाली, ठीक। तो अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली क्या है? आप लोगों ने जैसे सुना होगा अमेरिका के बारे में, अमेरिका में राष्ट्रपति जो है वो सब कुछ है। राष्ट्रपति हमारे यहां भी है, हमारे यहां भी राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो संसद से, संसद से बंधा हुआ है, संसद के प्रमुख के रूप में संसद से बंधा हुआ है। तो ये जो प्रणाली है ये संसदीय प्रणाली है, ये जो प्रणाली है ये अध्यक्षीय प्रणाली है, ठीक है। तो अध्यक्ष में राष्ट्रपति जो होता है वो अध्यक्ष हो जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे ज्यादातर इस तरीके की जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में एक आपका रूलिंग पार्टी होती है और एक अपोजिशन पार्टी होती है, अगर हम पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो। लेकिन इन सब तरीके की प्रणाली में अगर आप देखोगे तो एक तो आपकी रूलिंग पार्टी होगी, एक आपका अपोजिशन होगा, और अन्य पार्टियां भी होंगी जो एज अ फेस ऑफ अपोजिशन काम करेंगी, लेकिन मेन अपोजिशन वो होगा जो रनर अप होगा। तो ये जो संसदीय प्रणाली है ये बड़ी खूबसूरत है कि अगर इनका और इनका मेल हो भी जाए तो अन्य लोग मिलकर के भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र हैं। परंतु इसके निगेटिव पॉइंट्स भी हैं कि अगर एक अच्छी सरकार बनती है और इनके सरकार ना बनने का अगर मलाल होता है तो बनी हुई सरकार के हर एक पॉइंट को ये गलत साबित करने पर तुले रह सकते हैं। तो अपने अपने इसके अच्छे और बुरे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो वही चीज यहां पर भी देखने को मिल सकती है आपको, अच्छाई और बुराई के रूप में, ठीक है। अध्यक्षीय प्रणाली में भी आपको इस प्रकार की अच्छाइयां और बुराइयां देख सकती हैं कि ऐसे में राष्ट्रपति जो है वो तानाशाह भी हो सकता है, ये तो आपकी बुराई हो गई। और अच्छी बात यह है कि राष्ट्रपति अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए मुक्त होता है, बहुत ज्यादा उसको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता कोई नहीं रखता, ठीक है। तो उसको जो कार्य करने के जो वर्ष दिए जाते हैं उन वर्षों में वो स्वतंत्र होकर के काम करता है, टोका टाकी ज्यादा नहीं करी जाती। हमारे यहां तो हर एक कदम पे टोका टाकी होती है, तो इस तरीके की होती है बातें। इसके अलावा अगर अन्य चीजों की बात करें तो हमारे यहां एकात्मक गुण वाली संघीय व्यवस्था है। तो अगर हम भारतीय संविधान को देखें, भारतीय संविधान भारत को संघीय व्यवस्था प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है वैसे तो फेडरल सिस्टम, लेकिन हम यूनियन में विश्वास करते हैं, फेडरलिज्म में विश्वास नहीं करते हैं। तो हमारे यहां जो संघीय व्यवस्था है वो दो प्रकार की है। हमारे यहाँ की जो संघीय व्यवस्था है वो कितने प्रकार की है? भारतीय संसद के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार दो प्रकार की है। एक तो हम संघात्मक हैं संघात्मक व्यवस्था है, और दूसरी व्यवस्था आप यहां पर देखेंगे एकात्मक। पहले संघात्मक और एकात्मक को हम समझ लेते हैं, फिर हम बताते हैं आपको कि कब हम शांतिकाल में कैसे रहेंगे और कैसे रहेंगे। देखिए, जब हम अपने भारत को देखते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें कई सारे राज्य, विभिन्न राज्य हैं आपके पास में, विभिन्न राज्य हैं, और सभी राज्य जो हैं फिजिकली, पॉलिटिकली और कल्चरली अगर देखा जाए तो डिफरेंट हैं, और भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक फॉर्म में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे हमारे पास में हैं स्टेट। इसके अलावा बहुत सारी हैं यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, बहुत सारी क्या हमारे पास में यूनियन टेरिटरीज। तो स्टेट भी हैं और यूनियन टेरिटरीज भी है। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें पता चलता है कि एक राज्य अपने आप में स्वतंत्र शासन रखता है, जैसी हमारी केंद्र सरकार। तो जैसे हमको केंद्र में सरकार मिलती है वैसे ही हमको राज्य में भी सरकार मिल जाती है।
इसका मतलब राज्य जो है वो काफी हद तक केंद्र से क्या है, मुक्त है। लेकिन जब हमारे यहाँ किसी प्रकार की विशेष कह सकते हैं आपात की स्थिति आ जाए या कोई विशेष स्थिति आ जाए तो सारा का सारा पावर जो है वो किसके पास चला जाता है, राज्यों का सारा पावर केंद्र के पास चला जाता है। इसका मतलब ये राज्य जो है ये मुक्त हैं, लेकिन इतना मुक्त नहीं है कि वो केंद्र से अलग हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मिलजुल करके रहते हैं तो हम मुसीबत के समय तो एक हो जाते हैं, अदरवाइज संघ के रूप में रहते हैं। संघ का मतलब ये है कि स्वतंत्र रहेंगे आप, अपना अपना काम करेंगे लेकिन केंद्र से बंद करके। तो ये संघात्मकता है। तो ये जो हमको कब दिखाई देती है, ये हमारे जब हम शांति काल में रहते हैं। और एकात्मकता कब दिखने लगती है, जब हम विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो सारी होल्डिंग किसके पास चली जाती है, केंद्र के पास चली जाती है। तो इस प्रकार से एकात्मकता, तो संघीय व्यवस्था हमारी संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। समझ में आ गई बात। चाहे फिर वो विधायिका हो, चाहे फिर वो न्यायपालिका हो, चाहे फिर वो कार्यपालिका हो, सभी के साथ एक ही समान व्यवहार आपको इस सिचुएशन में दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम भारतीय संविधान के प्रकृति की बात करें तो भारतीय संविधान में कई जगहों पर आपको कठोरता दिखाई देती है और कई जगहों पर आपको लचीलापन दिखाई देता है। लचीलापन यानी कि हम लिबरल भी हैं और हार्श भी हैं। लिबरल किस जगह पे हम दिखाई देते हैं, लचीलापन हमें कहाँ दिखाई देता है, कई जगहों पर लचीलापन दिखाई देता है। जैसे हम किसी भी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। सामान्यतः हमें राष्ट्रपति से किसी भी बिल या विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई जगहों पर हमको दिखाई पड़ता है कि हम संविधान संशोधन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। और कई जगहों पर हमें दिखाई पड़ता है कि राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति की हमें आवश्यकता है, बगैर उसके हम बिल को इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। हमारे पास में कठोरता भी है और लचीलापन भी है, ठीक है, सम्मिश्रण है एक तरीके से जैसे देखा जाए। सामान्य रूप में अगर आप देखें तो राज्य स्वतंत्र हैं, लेकिन विपरीत रूप में अगर देखा, विपरीत परिस्थितियों में देखा जाए तो केंद्र जो है वो सारे राज्यों को होल्ड कर देता है, ठीक है। इस प्रकार की चीजें हमको यहां पर दिखाई देती है। नागरिकता की अगर हम बात करें भारतीय संविधान में, तो नागरिकता हमको कैसी दिखाई देती है, नागरिकता हमको सामान्यतया एकल दिखाई देती है। लेकिन विशेष परिस्थिति में आपने क्या किया हुआ है, आपने समुद्र पारी भी नागरिकता प्रदान कर रखी है, समुद्र पारी नागरिकता भी है। किसी दूसरे देश के जो नागरिक हैं, जिनको हम प्रवासी भारतीय कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि जो नॉन रेजिडेंस हैं, वो उनको भी हमने यहां पर क्या कर रखा है कि विशेष परिस्थितियों में नागरिकता दे रखी है। विशेष लोगों के साथ नागरिकता में छूट भी है। तो हमें यहां पर ये इस परिस्थिति में देखा जाए तो कठोरता भी दिखाई दे रही है और अन्य परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो लचीलापन भी हमको दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं, सिंपल सी बात है। अगर हमारे यहाँ सरकार की व्यवस्था देखी जाए तो सरकार कैसी है, तो सरकार हमारे यहाँ तीन स्तर की सरकारें होती हैं, एक केंद्र स्तर की, एक राज्य स्तर की और एक आपकी पंचायत स्तर की। पंचायत में भी तीन स्तर रखे गए हैं, एक ग्राम पंचायत है, एक ब्लॉक पंचायत है और एक आपका जिला पंचायत है, ठीक है। तो हमारे यहां देख सकते हैं आप, पावर को डिसेंट्रलाइज करके गांव तक ले जाया गया है, केंद्र से यानी देश से गांव तक का पूरा का पावर, पूरा जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण जिसको कह सकते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण है। तो ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। कुछ पेन में दिक्कत आ रही है भाई, है ना, तो इसको भी देखा जाएगा, सही कर लिया जाएगा। तो ये सब चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती। इसके अलावा भारतीय संविधान में अगर मूल भावनाओं का समावेश देखा जाए तो मूल भावनाएं भारतीय संविधान में,
किस प्रकार की है। अगर इन मूल भावनाओं की बात करें तो हमको उद्देशिका की तरफ जाना पड़ेगा। आराम से आप कुछ मूल भावनाएं देखेंगे कि हमारा जो देश है वो प्रभुत्व संपन्न है, सोवरेन कंट्री है, समाजवादी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष हैं हम, पंथ निरपेक्ष को आप पंथ निरपेक्ष ही कहें, धर्म निरपेक्ष ना कहें, ये ज्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अंतर है पंथ और धर्म निरपेक्ष में, ध्यान रखेंगे। पंथ निरपेक्ष है, सेक्युलर है, लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत, लोकतांत्रिक गणराज्य। पहली बात तो राज्य जो है वो गणों अर्थात लोगों का है और वो लोगों के द्वारा ही उसका तंत्र बनाया गया है। तो जो राज्य लोगों का हो और लोगों के द्वारा सृजित हो उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसको बोलते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये लोकतांत्रिक गणराज्य भी हमारा देश है, ये हमारा राज्य देश है और ये देश में ये विशेषताएं प्रदान कौन कर रहा है, ये देश में ये विशेषताएं प्रदान करने वाला हमारा भारतीय संविधान है। कौन है? भारतीय संविधान। तो इस प्रकार से आपको भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेष गुणों के बारे में पढ़ा पता चला होगा। इन पर आपसे प्रश्न विभिन्न स्तर में पूछे जा सकते हैं, मेंस का भी जब मैं आपको सिलेबस दूंगा तो आप उसमें जो है इसको सबको सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगला लेक्चर में आपको मैं कुछ और चीजों के बारे